ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रियम। द राइटर सेज दैट आवर हेल्थ एंड आवर सक्सेस दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें सफल होने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक कनेक्टेड हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड, एक बहुत अच्छा उदाहरण ये भी है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपको कोई भी कार्य जो दिया जाएगा आप सब उस सिर्फ उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे, अच्छी तरह से पूरा करेंगे। सिर्फ उस कार्य को समाप्त नहीं करेंगे, उस कार्य को कुछ ऐसे करेंगे कि आप उसमें चार चांद लगा दें। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकॉम्प्लिश दैट वर्क, हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव। इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट फेथ इज द रॉक, विश्वास वो चट्टान है जिसके ऊपर हम किसी भी कार्य का एक बहुत बड़ा एक इमारत बना सकते हैं, एक मंदिर बना सकते हैं अपने कर्म का। यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव एंड इफ यू विड स्टैंड एंड नॉट फॉल, और इस चट्टान पर आप सदैव खड़े रहेंगे, कभी नीचे नहीं गिरेंगे। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस द हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू टू बी ऑलवेज ट्रू फॉर द डिवाइन सेल्फ, अगर आप इसके इन विचारों के साथ लगातार बने रहेंगे तो आप एक डिवाइन हो जाएंगे, आपके कार्य में एक दैवीय शक्ति आ जाएगी। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, द इनवर्ड वॉइस एंड टू परस्यू अवर पर्पज विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, ऐसे समय में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें कई बार अंदर से आवाज़ आती है, एक इनवर्ड लाइट, अंदर से एक प्रकाश मिलता है। राइटर बताना चाह रहा है ये कहाँ से आता है, दिस कम्स फ्रॉम ऑल आवर पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स। हमने अपने मन में जो सकारात्मक सोच बना के रखी है, हमने अपने मन में जो सकारात्मक पौधा लगा रखा है विचारों का, उसी से ऐसा प्रकाश हमें मिलेगा कि जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे इट विल ऑलवेज हेल्प अस टू डू राइट, ये सदैव हमारी मदद करेगा कि हम उस कार्य को सही से करें और उस काम में कोई भी गलत रास्ता ना चुनें, किसी भी गलत तरीके से उस कार्य को ना करें। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, हमेशा हमें याद रखना होगा हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य सदैव हमारा प्रेजेंट या हमारा वर्तमान बनाता है, और उससे ही बड़ी बात है उस वर्तमान में, उस प्रेजेंट में जो हमारा विचार है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा कार्य करने का नज़रिया है, वही हमारा प्रेजेंट को आगे बढ़ाएगा और हमारा फ्यूचर बनाएगा। नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एक्सटीट्यूड, दिस इज द फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ। यहाँ पर एक फिलॉसफी राइटर कह रहा है कि हम जो भी कर्म करते हैं, ये गीता का उपदेश जैसा ही है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते महाफलेषु कदाचन, अगर हम सही कर्म कर रहे होंगे, अगर हम पॉजिटिव एफर्ट कर रहे हैं, इट विल ऑलवेज ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। अगर हम नेगेटिव एफर्ट कर रहे हैं तो हमारा कभी भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता। जैसा कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने बार बार कहा कि इस धर्मयुद्ध में विजय पांडवों की होनी है, जबकि कौरवों के पास पांडवों से ज़्यादा बड़ी सेना थी, कौरवों के पास पांडवों से कहीं ज़्यादा बड़े महान धनुर्धर थे, योद्धा थे और अनुभवी लोग भी थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने बार बार कहा कि इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी है, क्योंकि धर्म पांडवों के शिविर में है। दिस धर्म इज अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट, द थॉट अबाउट डूइंग नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत ना करने का विचार, उससे पहले द थॉट थिंकिंग नथिंग अबाउट एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत ना सोचने का विचार। अगर हमारा इंटेंशन पॉजिटिव है
तो हमारा एक्शन भी पॉजिटिव होगा. By the power of such faith, the dark waters of uncertainty are divided. और faith, विश्वास में वो शक्ति है कि अनिश्चितता के बादल, हिंदी में एक मुहावरा कहते हैं अनिश्चितता के बादल छट जाते हैं, इंग्लिश में है द अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर, अनिश्चितता का पानी कम हो जाता है. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगा. जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वासुदेव उन्हें एक टोकरी में रख के ले जा रहे थे, रास्ते में यमुना नदी को जब वो पार किया तो यमुना नदी ऊपर तक पानी से भरी हुई थी. वासुदेव डर रहे थे, भयानक बारिश हो रही थी. बट ही हैड अ ग्रेट फेथ अबाउट दैट वॉइस फ्रॉम द स्काई, जो आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हें इस बच्चे को अभी रात में नंद बाबा के यहाँ गोकुल में लेकर जाना है. उस विश्वास में इतनी शक्ति थी कि ऐसा हमने विजुलाइजेशन में देखा होगा टीवी सीरियल्स में या सिनेमा में, कि जैसे ही वो पानी में गए और भगवान कृष्ण का पैर लगा, पानी से रास्ता बन गया. ऐसा पॉसिबल लगता नहीं लॉजिकली, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस की बात है. ऐसे एक एग्जाम्पल हमें ध्यान है रामायण में, हमने देखा कि हनुमान जी को जब समुद्र पार करना था तो जामवंत ने उन्हें मोटिवेट किया. तो जब उनमें विश्वास आया कि अरे भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम तो समुद्र पार चले जा सकते हैं, लांग देंगे समुद्र को. सो दैट मोटिवेशन ऑफ जामवंत वर्क्ड क्वाइट वेल बिकॉज ऑफ फेथ, फेथ इन सुप्रीम पावर. उस ईश्वर पर विश्वास मानकर उन्होंने छलांग लगाई या वो उड़ चले और समुद्र पार चले गए. तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है. एंड द लेसन, द होल लेसन इज ऑल अबाउट दिस पॉजिटिविटी. इस पूरे पाठ में राइटर बार बार हमें सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार के बारे में ही बता रहे हैं. एवरी माउंटेन और डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड. राइटर फिर कह रहा है बड़े से बड़े पहाड़ धराशायी हो जाते हैं और वो आत्माएं, वो लोग जो विश्वास कर रहे होते हैं, वो बड़े से बड़े पहाड़ों को पार कर जाते हैं, समुद्र को पार कर जाते हैं. या आप लोगों के नज़रिए से कहें कि अगर आप फेथ रख रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इस पर भी अगर आप विश्वास रख रहे हैं, इसका आप सदुपयोग कर रहे हैं, तो बड़े से बड़ा कॉम्पिटिशन भी आप पार कर जाएंगे. इस अगले साल के बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छी सफलता पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. ओ रीडर, टू एक्वायर अबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजिशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ, फॉर इट इज द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस एंड पीस, पावर फॉर ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग. इस एक लाइन में जीवन का तिलस्म बताया गया है. अगर हमने विश्वास पा लिया, राइटर कह रहा है, हे रीडर, हे पाठक, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, अगर हमने अपने मन में विश्वास धारण कर लिया तो यकीन मानिए कि आप जीवन की सफलता का तिलस्म खोज लेंगे. यू विल हैव द मैजिक ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर अल्टीमेटली. एंड द मेटेरियल ऑफ द एटर्नल एंड अपॉन द रॉक ऑफ द एटर्नल विद द मेटेरियल ऑफ द एटर्नल एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द accumulations of material luxuries and riches, the end of which is dust. और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, ऐसा विश्वास अपने अंदर पा लेंगे, तो आप बड़े से बड़े धन, समृद्धि, संपन्नता से भी कहीं ऊपर निकल जाएंगे. बड़े से बड़ा पैसा, दौलत से कहीं बड़ा है मन की शांति, वो शांति जो हमें बड़े से बड़ी सफलता पर मिलती है, जिसके लिए हमें स्वस्थ होना है और सबल होना है. वेदर यू आर हर्ल्ड इन टू द डेप्थ ऑफ सोरो, लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, चाहे आप दुखों के सागर में हों या खुशियों की ऊंचाई पर हों, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, सदैव इस विश्वास को बना के रखें, एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस. बहुत अच्छी बात राइटर ने कहा है. यहाँ पर एक और फिलॉसफी है कि आप चाहे दुख हों, आप चाहे सुख में हों, आप असफल हो चुके हों या आप सफल हो चुके हों,
हमेशा अपने पैर ज़मीन पर रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गिरेंगे नहीं। सेंटर्ड इन सच अ फेथ यू विल बिकम पजेस्ड ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल शैटर लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लासेस ऑल द फोर्सेज ऑफ विल दैट आर हर्ल अगेंस्ट यू एंड यू विल अचीव अ सक्सेस सच एज द मियर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, ऐसे विश्वास को अपने अंदर रख पाते हैं, सफलता की ओर इस तरह से बढ़ पाते हैं, राइटर यहाँ पर कह रहे हैं, फिर आपको कितनी असफलताएँ क्यों ना घेरें, आप सबको पार करके सफलता की ओर बढ़ जाएंगे और इतनी बड़ी सफलता आप पा लेंगे कि जिसका एक साधारण आदमी, एक साधारण व्यक्ति सिर्फ ना तो उस सफलता का सपना देख पाएगा और ना ही उस सफलता के बारे में कभी सोच सकता है। आप इतनी बड़ी सफलता पा सकते हैं।